हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल सी एक्सक्लूसिव के अंदर। और गाइस, आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, मेरे से बहुत सारे मेरे सी ए स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं मेनली सी ए में डील करता हूँ और ए ओ सी अकेडमी ऑफ कॉमर्स की किनार प्लेस वाली ब्रांच में, राजौरी वाली ब्रांच में एंड लक्ष्मी नगर वगैरह में, लक्ष्मी नगर की ए ओ सी वाली ब्रांच में, लेकिन अदर इंस्टीट्यूट में आई सी आई के अंदर कई बार सी ए के बच्चों के साथ सारा मैं ही डील करता हूँ। तो सी ए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, तीनों लेवल पे। तो आज एक बच्चों के क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ। बच्चों का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन मेरे से क्लास में भी आया था कई बार कि सर, एक फ्रेशर सीए की सैलरी क्या होती है, एक एवरेज सैलरी क्या होती है सीए की। और तो आज जो उसी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, ताकि क्योंकि बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जैसे हम जब सीए बनेंगे तो हमारे को एक इतना अच्छा पे पैकेज मिलना चाहिए, कितना ये कितना वो, कुछ लोग कितना बताते हैं वगैरह वगैरह, सबके ऊपर मैं बात करूँगा। सर देखो, अगर आप इस टाइम गूगल करेंगे तो एवरेज सैलरी, फिर मैं आईसीए के डेटा के अकॉर्डिंग बताऊंगा, एवरेज सैलरी जो इस टाइम गूगल दिखाता है वो दिखाता है 7.36 लाख पर एनम। मतलब 7.36 लाख पर एनम, वो कहता है कि अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख 7.5 लाख के आसपास की जॉब हर एक सीए की एवरेज सैलरी इतनी होती है, एवरेज इतनी होती है। ऑलमोस्ट एवरेज का मतलब समझ आता है ना कि ऑलमोस्ट 10 में से 5, 10 में से 6 लोगों की इतनी सैलरी तो निकल ही आती है। तो एवरेज वो सबका सम निकालते हैं, उसके एवरेज बन के 7.36 लाख आ रही है। हालांकि ऑल दो अगर आप तुम आई सी आई के डेटा चेक करोगे तो 7.36 लाख वो भी दिखाता है, लेकिन ये फिगर लास्ट ईयर से कम हुई है। लास्ट ईयर जो एवरेज सैलरी थी सी ए की वो 8.34 लाख थी पर एनम, और जो रिड्यूस होकर कितनी हो गई, 7.36 लाख, विच इज़ नॉट अ गुड साइन, इतना अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर तुम मार्केट के हिसाब से देखो, मार्केट के हिसाब से देखो तो लास्ट ईयर सी ए इंस्टीट्यूट के अंदर, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ मार्केट के हिसाब से, तो लास्ट ईयर के अगर सबसे बात करो तो जो कैंपस प्लेसमेंट के अंदर कंपनीज आई थी लास्ट ईयर, वो आई थी 130, और इस ईयर आई थी 136 या 138 के आसपास। तो उसमें थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ हुई है, इस बार कंपनीज ज़्यादा आई थी। सेकंड, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो जिस हिसाब से मार्केट में भी पोजीशन है कि बिजनेसिस फ्लॉप होने हैं, इतना पैसा नहीं है मार्केट में, लोग परेशान हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से देखो तो सैलरी बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है। हालांकि ये तो एक एवरेज सैलरी की रही बात। देखो, डिग्री जो होती है वो एक काइंड ऑफ लाइसेंस होती है। सपोज आपकी सीए की डिग्री मिल गई तो ये नहीं है कि आपकी सीए की डिग्री मिलते ही तो आपकी सैलरी की लाइन लग जाएगी, रेड कार्पेट बिक जाएगा, सब कुछ आपके घर के बाहर बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर ऐसा कुछ कि आपको ऐसा फील हो रहा हो कि मेरे साथ ऐसा वगैरह हो जाएगा कि रेड कार्पेट वगैरह आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। डिग्री सिर्फ एक काइंड ऑफ लाइसेंस होती है जो आपको कंपनी के अंदर एंट्री दिलवाती है। अल्टीमेटली अगर आप में नॉलेज है तो आप ग्रो करोगे, आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपने इंटर्नशिप कहाँ करी है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद आपका ओवरऑल पैकेज डिसाइड होता है। क्योंकि आप अगर देखो तो वो कहते हैं कि जब मैं आईसीआई का पूरा डेटा पढ़ रहा था तो वो लोग कहते हैं कि सैलरी कई लोगों की 4, 4.5, 5 लाख भी लगती है साल की। तो मतलब तुम सोचो 4 लाख रुपये अगर साल की सैलरी लग रही है तो वो 28-30-35 हज़ार रुपये महीने के आसपास हो गई, और वो भी सीटीसी है, कॉस्ट टू कंपनी है, तो जब बंदे को घर में सैलरी आएगी हाथ में तो 22-25 हज़ार रुपये आएगी। लेकिन तुम अगर उधर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे 7.36 लाख, तो अगर उसकी कॉस्ट टू कंपनी देखोगे तो वो तो सीटीसी है, अगर बंदे के हाथ में सैलरी आएगी तो अराउंड 40 हज़ार के 42 हज़ार के आसपास आ जाएगी। ये केस टू केस वेरी करता है। और उन्होंने बोला कितने लोग ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी 25-30 लाख रुपए पर एनम भी एज अ फ्रेशर लगती है। अगर 25, वो बहुत 1% एक्सेप्शंस हैं जिन लोगों की ऐसी लगती है एवरेज, इसलिए तभी उन्होंने बोला कि 7.36 लाख है। 25-30 लाख का मतलब तो बहुत ज़्यादा हो गया कि 2 लाख रुपए महीना सैलरी, और वो भी फ्रेशर की। तो ये सारी चीज़ें 1% वाला खेल, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, डिग्री सबके पास सेम है, आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक किसी कॉलेज से निकल कर आए हो तो अगर टॉप भी स्कूल के कॉलेज में, ये बड़े वाला कॉलेज है या छोटे वाला कॉलेज है, तो सैलरी कॉलेज के बेस पर डिसाइड होगी। आप सबको कराने वाली एक ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट इज़ आईसीआई। अगर उसके निकलने के बाद जब डिग्री सबको सेम मिल रही है और उसके बाद भी अगर सैलरी में वेरिएशन होती है, आप 10 बंदे खड़े कर दो, सबकी डिग्री सेम टाइम पर आई है, सबके मार्क्स भी सेम है, तब भी आप देखना सबकी सैलरी सेम ही लगेगी। क्योंकि सबकी डिग्री और मार्क्स के अलावा और भी बहुत सारी स्किल्स जज की जाती हैं, उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बोलने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसके एक्सेल्स की एमएस एक्सेल स्किल्स, ऑफिस स्किल्स, एमएस वर्ड की स्किल्स, बड़ी सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, कंप्यूटर स्किल्स, बेसिक स्किल्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें चेक करने के बाद ओवरऑल उसकी वो कितना बंदा ग्रूम्ड है, उसके बाद उसका पे पैकेज डिसाइड होता है, खाली डिग्री के बेस पर नहीं होता। तो अगर कुछ लोग, आपने देखा होगा मार्केट में, फिर ब्लेम करते हैं अपनी डिग्री को कि यार हम लोग बने और बनने के बाद इतना कम पैकेज लगा, इतनी साल मेहनत, वो आप डिग्री को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर डिग्री में कमी होती तो वो लोग 30-30 लाख के पैकेज में लेके जा रहे हैं, लोग 25-25 लाख के, और एवरेज 7.36 लाख तो है ही। तो जो लोग उनसे भी कम आ रहे हैं तो उनमें खुद को ही कमी होगी, जिनको उनको सुधारनी पड़ेगी, तो वो उसकी वजह से।
और दूसरी चीज़ आप लोगों को मार्केट में कुछ लोग डीमोटिवेट करने वाले भी मिल जाएंगे आज के अंदर। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं मार्केट के अंदर कि जी सीए तो आजकल हर कोई कर रहा है, तो एक चीज़ सीधा सा जवाब तो इसलिए सैलरी गिर रही है, एक छोटा सा जवाब बता देता हूँ सर, सीए हर कोई कर रहा है लेकिन हर कोई बनता नहीं है। और जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं ना ऐसे, एक चीज़ बता दूँ, वो लोग हैं या तो जो खुद कभी सीए बन नहीं पाए, या जिन्होंने किसी रिश्तेदारों के थ्रू सुना था कि जो खुद पहले कर रहे थे उनके को रिश्तेदार कर रहे थे वो फेल हो गए, तो वो आगे गा रहे थे सीए टफ है, तो उन्होंने सुने सुनाई बातों में आगे बोलना शुरू कर दिया सीए टफ है। आप मेहनत करो तमीज़ से आप सीए बन जाओगे। जितना आप जहाँ भी पढ़ते हो जिस भी टीचर से पढ़ते हो, हर एक टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, आप जिससे भी पढ़ के आ रहे हो, पढ़ के आने के बाद सेल्फ स्टडी करो, उसको रात को आगे पढ़ो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो किसी से क्लास भी नहीं ले रहे तो भी आप मेहनत करो, लोग ज़्यादातर हर बंदा बन जाएगा। आपको सिर्फ डेडिकेशन रखनी है, आपको प्रॉपर जितना सिस्टम बनाया गया उसको फॉलो करना है, आप ग्रो करोगे। और आज की डेट में इतना ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन है, इतना ग्रोइंग प्रोफेशन है, आपको एक चीज़ समझ आती होगी कि इंडिया के अंदर अगर तुम देखो कि आज के डेट में 1,00,000 के आसपास लॉयर्स हैं, इतनी बड़ी लॉबी है, लेकिन सीए की लॉबी अभी भी 2.5-3 लाख के आसपास है, और आप इंडिया की आबादी 125 करोड़ लोगों की है, और अगर उसके अंदर आप जैसे लोगों को, आप इतने सारे लोगों के हिसाब से अगर देखो, तो सीए के साथ में खासियत और भी है, वो ऑर्गेनाइज एज वेल एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों कवर करते हैं। ऑर्गेनाइज समझ आता है ना, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर भी कवर करते हैं, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं है शॉप्स वगैरह पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह आप उनको भी कवर करते हैं। इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से इतनी डिमांड, जितनी मार्केट में उतनी सप्लाई नहीं है अभी, इस वजह से ही आपका पैकेज मेंटेन है। लाख रुपये बढ़ना घटना ओवरऑल ही चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है। आप जिस चीज़ का सपना लेके आए उसे बन के निकलना, और नाम के आगे एक चीज़ कसम खा लो कि सीए बन के निकलना। जिस दिन वो बन जाओगे, जो आपके चेहरे पे चमक और जो आपके पेरेंट्स के चेहरे पे चमक होगी ना, वो एक अलग होगी। तो ये ब्रांड सीए जो है ना, इसको लगा के निकलना। और एक चीज़ देखना, यही एक ऐसा प्रोफेशन है, जब आप बन रहे होगे सीए तब भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, बनने के बाद भी मिलेगी। जब आप रोड पर उतरोगे और कोई तुमसे पूछ लेता ना कि क्या कर रहा है, तुम वो बोलते ना तुम सीए बोलोगे सीए कर रहा है, तो सामने वाला बड़ी अलग नज़र से देखना शुरू कर देता है कि यार ये सीए कर रहा है तो कुछ अलग होगा इसके अंदर, है ना। अब वो जब आपको इतने लगने से देखते हैं, मतलब आपको बनते बनते भी रिस्पेक्ट मिलती है, बनने के बाद भी रिस्पेक्ट मिलती है, वो सब इस वजह से मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके प्रोफेशन में दम है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एक ओवरऑल सिस्टम समझ आया होगा कि आप इस टाइम पे सीए का क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या पे पैकेज है, क्या कंपनीज कर रही है। तो एवरेज के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर मार्केट की पोजीशन देखो तो जितने लोग अनएम्प्लॉयड है उसके हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ी खासियत, ज़िंदगी में अगर नौकरी नहीं करना चाहते ना, तो ये प्रोफेशन आपको दूसरा चांस भी देता है कि आप अपनी प्रैक्टिस करके अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हो। किसी की नौकरी नहीं करनी तो मत करो, इतने सारे ऑप्शंस। आप एक नॉर्मल जॉब वाला बंदा आता है, एक पढ़ाई करके आते हैं, तो वो उनके पास इतने ऑप्शन है तो इतने आपके पास होते हैं, तो बहुत कह सकते हैं कि एक ओवरऑल कंप्लीट डिग्री है जो आपको वेल ग्रूम करवाएगा। सीए जब तक बनोगे ना, खाली सीए बनने के बाद ये नहीं है कि एक पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे, एक फील्ड में इंटेलिजेंट हो गए, इतना सारा अंदर पेशेंस भर जाएगा, इतना कुछ आ जाएगा और लाइफ में बंदे बन जाओगे, मतलब और चीज़ें भी आ जाएंगी पढ़ाई के अलावा। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग माई वीडियोस। एंड मेरा एक चैनल एक और है AFLM, जो मेरा मेन चैनल था जो मैंने इनिशियली स्टार्ट करा था, ये मैंने स्पेशली सीए वालों के लिए बनाया था। AFLM आप लिखेंगे गूगल के ऊपर तो आपको यूट्यूब पर लिखेंगे तो मेरा नाम आ जाएगा, पर वो अच्छा का सब्सक्राइबर है, वो CSCMA वालों के लिए कॉमन है, ये खाली CA वालों के लिए चैनल है। बाकी इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते हैं। एंड इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना ताकि जो लोग सपना ले रहे हैं ना, उसके लिए मोटिवेशन मिले कि हाँ हम बिल्कुल सही डायरेक्शन पे हैं और बन के निकलेंगे, ब्रांड लगा के निकलेंगे। बाकी इसी तरीके से वीडियोस को प्यार दे रहे, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।